मैं पूछूंगा बतलाएगा, तैयार है तो बताइए नीले पैंट वाले भाई साहब का पैंट का रंग कैसा है और ये काले पैंट वाले भाई साहब का पैंट का रंग कैसा है। हमारा जमुला सबको जानता है, अभी हमारा जमुला खेल बजाया, खेल दिखाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए दोस्तों, बजाइए तालियां, हमारा जमुला भी खेल दिखाएगा। लीजिए मैं अभी मंत्र मारूंगा, इस जमुले का आधा धड़ कटकर इस बिल्डिंग पर नजर आएगा और आधा इस बिल्डिंग पर नजर आएगा। सभी लोग ध्यान से देखें, ये आधा आधा होने वाला, आधे लोग इधर देखें, आधे लोग इधर देखें, आधे लोग इधर देखिए, आधे इधर देखिए, ये अभी आधा होने वाला है। राम बलराम छूबू होले तुमको। ये कौन सा खेल काटे वीडियो का, मैं नहीं दिखाऊंगा उसका, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, खेल नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाऊंगा। अरे तू मुझे जानता नहीं, मैं बहुत पूछ लूंगा बाबा। आप बोल लो फर्स्ट बोलने वाले बाबा। चुप, तू मेरी दावत को ललकार रहा है। मैं तुझे अपने जादू सभी कबूतर बनाता हूँ। राम बलराम छूबू होले तुमको। क्या बेटा, काउंटर बना दिया ना। हाँ, ये देख रहे हैं। हाँ, इस बैठ जाऊंगा। अच्छा, इस पर बैठ जाऊंगा। तो मैं तुझे अपने जादू से अभी बना देता हूँ। अरे उस्ताद, गधा बनाने की गलती मत करना उस्ताद। क्या बेटा, देखो अगर गधा बना दिया ना। हाँ, जब आप रात को सोओगे ना। हाँ, 12 के बाद आऊंगा। क्या करेगा, जोर से गुर्राने ले रहा होंगे तो क्या करेगा। तो मैं तुझे अपने जादू से क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। चलो एक काम करता हूँ, इसको कुकड़ू को बना देता हूँ, फारी मुर्गा बायलर। क्या बेटा, खेल दिखाएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, तो फिर लेट जा जमुना। मैं पूछूंगा बतलाएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। कभी दिल्ली गया, कभी कोलकाता गया, कभी चेन्नई गया, कभी बंबई गया, बंबई गया, बंबई। अरे उस्ताद, बंबई का नाम मत लिया करो उस्ताद। बंबई का नाम, ओए बंबई में ऐसा क्या है। उस्ताद बंबई का नाम तो तुम लिया ही मत करा करो। अबे बंबई में ऐसा है क्या। उस्ताद तुम जब बंबई का नाम लेते हो ना। हाँ, मुझे उसकी याद आती है उस्ताद। किसकी याद आती है। अरे उस्ताद उसने की। अबे किसकी याद आती है। करिश्मा कपूर की। किसकी, करिश्मा कपूर की। लो भैया करिश्मा का दीवार, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है। लो भैया सलमान खान। अच्छा एक बात बता, करिश्मा से क्या चाहता है। शादी करूंगा। शादी करेगा, ठीक है, मैं इन गांव वालों के सामने तेरी शादी करा दूंगा, लेकिन एक बात है, शादी करने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, मंजूर है तेरे को। अरे उस्ताद बताइए कौन सी शर्तें सब मंजूर है मुझे। तेरे पास रहने के लिए मकान है। इसी गांव में मेरा मकान। इसी गांव में मकान है, बीनागंज में। अच्छा तेरा मकान है कहाँ है भैया, तेरा मकान बताइए। मकान मकान तेरा भैया होगा, मानना पड़ेगी क्योंकि मैं जा नहीं सकता, होगा मकान के पीछे मकान। अच्छा एक बात बता, तेरे पास मकान है, तेरे पास शौचालय जाने की कोई व्यवस्था है। अरे उस्ताद मेरे घर में शौचालय है उस्ताद। शौचालय है पक्का। क्या भैया गांव वाले, इसके इसके घर में शौचालय है। अरे उस्ताद शौचालय तो है। हाँ, इसने उसमें कंडे और लकड़ी भर रखी है, शौच के लिए सड़क पे जाता है। समझा। अच्छा तेरी शादी कैंसिल। गवर्नमेंट ने शौचालय बनवाई शौच जाने के लिए, और ऐसे लोग शौचालय में कंडा और लकड़ी भर देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, खुले में मल का त्याग करना कानूनन अपराध होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं 1 ग्राम मल में करोड़ों कीटाणु होते हैं, और एक आदमी रोड किनारे जाता है 2.5 किलो बारूद बिछा देता है। दोस्तों ये बारूद क्या करेगी, आपके घरों में आग लगाएगी कि नहीं लगाएगी। हमारे धर्म अनुसार भी ये गलत है और वैज्ञानिक तौर पे भी गलत है, क्योंकि डॉक्टर लोग कहते हैं 1 ग्राम मल में लाखों कीटाणु होते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम रोड किनारे 2.5 किलो बारूद बिछाए जाते हैं, जब ट्रैक्टर आता है, मोटरसाइकिल आती है, मवेशी के पैर आते हैं, उसके द्वारा हमारे घर में आ जाती है, और जब वो सूख जाती है ना दोस्तों, तो पहियों से पिस्ट लेकर जब हवा चलता है ना, पूरी हमने उठ रहे हम कहाँ से सुध रही है। इसलिए ध्यान रखा जाए दोस्तों, खुले में मल का त्याग न करें। जमुना तेरे पास पानी पीने की व्यवस्था है। पानी पीने की व्यवस्था उस टाइम मेरे गांव में। देखो उस टाइम मेरे गांव में नल है, मेरे गांव में हैंडपंप है, उस टाइम मेरे गांव में हैंडपंप है। अच्छा, मेरे गांव में कुआं है। अच्छा, जल में पड़ी नदी तालाब का भी थे उस टाइम। नदी तालाब का, इतनी बड़ी हीरो से शादी करेगा, नदी तालाब का पानी पिलाएगा।